कैट कैफे स्टूडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आपने कैप्शन में तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। सो या इट्स कैट कैफे स्टूडियो इन आराम नगर वर्सोवा। एंड अबाउट दिस कैट कैफे स्टूडियो, बेसिकली इट्स अ कैफे जहाँ पे बहुत सारी कैट्स हैं, अपनी मील्स एंजॉय कर सकते हैं, कैट्स के साथ उनके साथ खेल सकते हैं। मैं भी पहले नहीं गई हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि इट्स अ गुड प्लेस टू हैंग आउट हु ऑल आर द एनिमल लवर्स, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ एंड आई कीप यू ऑल पोस्टेड, कीप वॉचिंग। Located in Versova, Mumbai, it's India's first cat cafe studio, which was established in 2015 to popularize India's stray cats while creating a safe, homely environment for them to grow up in. Visitors can meet, play and socialize with cats here along with sipping some chai or coffee. तो मैं आ गई हूँ कैट कैफे स्टूडियो और इसकी एंट्री पे ही यहाँ पे मुझे दो कैट्स मिल गए हैं। आई एम सो एक्साइटेड, अंदर जाके देखते हैं कितनी सारी कैट्स हैं। लेट्स गो। सिर्फ कैट्स ही नहीं, डॉग भी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 कैट्स एंड दे ऑल आर रेस्क्यूड एंड मेडिकली ट्रीटेड। सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज द कैफे एंड इनसाइड इज द प्लेस वेयर ऑल द कैट्स आर देयर। अंदर एक्सक्लूसिवली कैट्स के साथ खेलने का एरिया है जहाँ पे आप अंदर जा सकते हैं। द चार्जेस आर 200 रुपीज़ पर पर्सन पर आवर। एंड जो ये बाहर का एरिया है मेरे साथ, तो ये जो इधर बाहर का पीछे का एरिया है, दैट इज द कैफे एरिया। तो अभी मैं कैफ़े एरिया में बैठी हूँ क्योंकि अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े एक घंटे के बाद जाऊँ, जब उनका 1 आवर का टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा इतनी सारी कैट्स के साथ। तो यहाँ पे है एक नोटिस जो आपको पढ़ लेना चाहिए और साथ ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है जो आपको फॉलो करने हैं बिफोर एंटरिंग द कैट हाउस। सो दिस इज़ हाउ दिस कैट हाउस लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। कैट्स के खेलने का, सोने का, लोगों के बैठने का एरिया, दे ऑल आर वेरी वेल डिज़ाइंड। एंड यू नो ना हाउ कैट्स आर, उनको उछल कूद करना कितना अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब चीज़ें मेंटेन की गई हैं। एंड देर आर सम कैट एक्सेसरीज जैसे कि कॉलर्स, हार्नेस, कैट टॉयज, क्यूट मग्स भी है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ सारी कैट्स रेस्क्यूड हैं एंड दे ऑल आर मेडिकली ट्रीटेड, बट कुछ कैट्स एम्प्यूटेड भी है जैसे कि ये, बट ही इज़ वेरी चेयरफुल। ये जो कैट है, मैं एक जगह पर जाती हूँ तो वहाँ पे यूजुअली उस कैट को फीड करने जाती हूँ एंड वो एग्जैक्टली इस कैट की तरह दिखता है। मोटू सा, प्यारा सा, उनका मोटा सा कैट है, उसकी ना टेल ही है बिल्कुल सिमिलर वैसा है। लिटिल हाउस, लिटिल रूम,
तो ये है यहाँ का सबसे हैंडसम कैट। इसकी ना एक स्टोरी है, जब इसे रेस्क्यू किया गया था इसकी आईज़ में मैगेट्स हो गए थे, इसे ट्रीट कर दिया गया था बट स्कार्स फिर भी रह गए, बट दिस मेक्स हिम लुक डिफरेंट। Do they fight here? Mostly no. They are very familiar with each other. But sometimes they do. They are always here too, you know. Okay. They don't fight. Oh. हम बात ही कर रहे थे ये लड़ते हैं आपस में क्या, और अभी पता चला। Honey, सहर। सहर? Oh ho ho ho, गुस्सा। सहर? Hi. तो इस कैट कैफे से ऑलमोस्ट 1100 प्लस कैट्स को अडॉप्ट किया गया है। इफ़ यू आर अ कैट लवर एंड यू वांट टू अडॉप्ट, दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर द अडॉप्शन प्रोसेस। सो डोंट शॉप, प्लीज अडॉप्ट। तो ये सारी कैट्स को लगी है भूख, और दिखाती हूँ मैं आपको एक जगह, ये सारी इकट्ठी हो गई है देखो। This was all about Cat Cafe Studio. बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत सारी कैट्स हैं जो एम्पुटेड है, वूंडेड है, और उन्हें यहाँ पर लाकर ठीक किया गया है, रेस्क्यू किया गया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस स्टूडियो की, इस कैफे स्टूडियो की। एंड यहाँ पर जो कैट्स है, दे आर अप फॉर अडॉप्शन। मैं पर्सनली अभी अडॉप्ट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मैं उस क्राइटेरिया के अंडर फॉल नहीं करती हूँ, बट एक दिन मैं पक्का ज़रूर अडॉप्ट करूँगी। बट आप लोग अगर एनिमल लवर्स है, प्लीज़ कम हियर एंड अडॉप्ट एंड डू विजिट, बिकॉज बहुत अच्छी जगह है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय, टेक केयर।